आज इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखने वाले हैं कि आप कैसे अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। आपने अभी तक कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझा। जब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स समझ आ चुके हैं और आप उन्हें ट्रेड करने वाले हैं, तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं जहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स और अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ आप रीटेस्टिंग को भी समझने वाले हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स को भी समझने वाले हैं। सो ओवरऑल एक अगर आप ट्रेडिंग रिलेटेड एक नॉलेजेबल वीडियो चाहते हैं तो आपको इस वीडियो से काफी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। शुरू करते हैं आज हम विद वन एंड ओनली मिस्टर उमेश। तो यहाँ पे हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को और कैसे आप रीटेस्ट पे आप ट्रेड बना सकते हैं, चाहे उसमें ब्रेकआउट आए या फिर ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट जो है वो रेजिस्टेंस पे आएगा और ब्रेकडाउन आपको सपोर्ट पे देखने को मिलेगा। और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कैंडलस्टिक का यूज भी आप किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कर सकते हैं। और साथ साथ मैं कुछ डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न के बारे में भी आपको आज बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिकली सपोर्ट एरिया को समझेंगे। तो यहाँ पे हमें एक डाउन देखने को मिला, मार्केट में करेक्शन देखने को मिली, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। इसके बाद बाजार जो हुआ यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फॉर्म में चल रहा है, ये कंसोलिडेशन फेस है। कंसोलिडेशन में हमें एक दो चीजें चेक करनी पड़ेगी, वो ये है कि जब भी इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा उसके बाद आपको फर्स्ट ब्रेकडाउन में ट्रेड नहीं बनाना है। आप कोशिश करिए कि उसको अवॉइड करके चलिए। जब सेकेंड टाइम मार्केट यहां से रिवर्स होगा और इसी ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पे जैसे ही ये वापस से रिटेस्ट करता है तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक ट्रेडर के लिए यहां पे सेल पोजीशन बनाने की। ये बेसिकली क्या है कि अब आप ज्यादातर चार्ट्स पे देखने को मिलता होगा कि पहले फर्स्ट टाइम में मार्केट में तेजी या फिर मंदी देखने को मिल जाती, ब्रेकआउट होता था मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिल जाती थी, मार्केट में ब्रेकडाउन होता था एक डाउनसाइड मार्केट में देखने को मिल जाता था। बट आजकल जो मार्केट है वो क्या कर रहा है, रिटेस्ट करने आ रहा है अपने लेवल को। तो जब भी रिटेस्ट करने आता है और वहां पे अगर आप सेलिंग पोजीशन बनाते हैं तो वहां पे आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादातर बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया जी सपोर्ट जोन। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में हमें देखने को मिलेगा कि बाजार जो है एक अप ट्रेंड में चल रहा है और एक लेवल पे जाके बाजार क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेशन में आप ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में एक ब्रेकआउट देखने को मिला, अब ब्रेकआउट के बाद बाजार एक रैली लेता है, रैली के बाद वापिस से आता है इसी लेवल पे रिटेस्ट करता है सपोर्ट जोन पे और वापिस रिटेस्ट करके उसमें एक उछाल एक रैली इसमें देखने को मिलती है। तो कोशिश हमेशा ये करिएगा कि जब रिटेस्ट करेगा तो रिटेस्ट पे अगर आप बाय पोजीशन बना के चलते हैं तो आपके ट्रेड के सक्सेस होने के जो चांसेस है वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ये तो हमने आपको एक एक आपको बताया, एक पैरामीटर्स बताए, बट अगर मैं चार्ट पे आपको बताना चाहूं, चार्ट से पहले कुछ और पैटर्न्स के बारे में भी बात करना चाहेंगे, वो सारे पैटर्न्स पहले मैं आपको यहीं पे समझाना चाहूंगा। जैसे कि हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस सपोर्ट जरूरी थोड़ी ना इसी तरीके से बनेंगे कि कंसोलिडेशन फेज बनेगा उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा। हम राउंडिंग टॉप पैटर्न की बात करते हैं, राउंडिंग बॉटम पैटर्न की बात करते हैं, हम फ्लैग पैटर्न की बात करते हैं, इसके अलावा डबल टॉप डबल बॉटम की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको राउंडिंग बॉटम का देना चाहूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं कि बाजार में एक डाउनफॉल देखने को मिला, अब राउंडिंग बॉटम है, बॉटम भी बनेगा और यहां से मार्केट में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिला। अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिला और हम क्या करते हैं, राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट पे हम अपनी बाय पोजीशन बना के चलते हैं और ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करें या फिर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे काम करें तो सबसे पहले कैंडल होनी चाहिए जो कि पेनिट्रेट कैंडल है, उसका जब हाई ब्रेक होगा तो ही आप बाय पोजीशन बना के चलिएगा। स्टॉप लॉस जो होता है पेनिट्रेट कैंडल के लो का होता है। आप कोशिश करिएगा फर्स्ट टाइम पे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। जब ये सेकेंड टाइम वापिस आता है आप चाहे तो यहां पर पोजीशन बना के चल सकते हैं, बट अगर यहां से एक डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है और ये सपोर्ट में, क्योंकि एक रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है और यहां से अगर ये रिटेस्ट करता है तो यहां से आप अगर एंट्री बनाते हैं तो मार्केट में एक बड़ा उछाल आपको देखने को मिलता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न में भी आपकी रिटेस्ट स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अब मैं डायरेक्टली लेके जाऊंगा चार्ट पे और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का आपको एक एग्जांपल दूंगा और साथ साथ आपको बताऊंगा कि यहां पे भी आप कौन सा ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं जिसकी कंफर्मेशन के बाद आप इसमें डबल एंट्री भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ट पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। अब राउंडिंग बॉटम जैसे कि डाउन ट्रेंड में बनता है तो डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला। यहाँ पे हमने फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस लिया, मार्केट क्या कर रहा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ये हमने इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लिया है। अब हुआ क्या कि फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद बाजार में तेजी आई, बाजार तेजी के बाद यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला। अब मैं इस एरिया को ना थोड़ा सा जूम करना पसंद करूंगा और यहाँ पे आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए क्या है कि कैंडलस्टिक को कभी नहीं भूलना है, चाहे आप चार्ट पैटर्न कर रहे हो चाहे कोई भी पैटर्न्स पे काम कर रहे हो, कैंडलस्टिक सबसे पहले है, इसलिए हमने कैंडलस्टिक आपको पहले ही बताई है। अब आप देखेंगे कि बाजार में जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिला तो यहाँ पे आपको एक कैंडल देखने को मिली। इस कैंडल का नाम क्या है? इस कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार। ये हमने आपको पहले ही एपिसोड में बता दिया था, यानी कि इससे पहले वाली वीडियोज में आपको बताया था। शूटिंग स्टार के बाद इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला, यानी कि जो रेजिस्टेंस के बाद जो गिरावट हुई उसका कारण क्या था? शूटिंग स्टार। दूसरा अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने यहां पे क्या करा था, यहां पे इसने रिटेस्ट करा था, यहां से जैसे कि आप देख रहे हैं बाजार ने यहां पे रिटेस्ट करा था। रिटेस्ट के बाद इसमें बड़ी रैली देखने को मिली, बट क्या सिर्फ रिटेस्ट ही कारण था कि बाजार में रैली का? तो यहां पे मैं इसको और भी ज्यादा जूम करूंगा तो यहां पे पैटर्न आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में, जिसको बोलते हैं हैमर। हैमर जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो इस डाउन ट्रेंड में के बाद यहां पे हैमर बना, हैमर के बाद बुलिश कैंडल देखने को मिली और बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पे आपको रैली देखने को मिली। अब इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा, दो चीजें हो गई, एक तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद मार्केट में तेजी आई, दो कंफर्मेशन मिली, टॉप पे हमें शूटिंग स्टार मिला, बॉटम में हमें हैमर देखने को मिला। यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमने मूविंग एवरेज लिए, ईएमए लिए, और ईएमए में हमने अगर हम देखेंगे ईएमए के ऊपर ये काम करा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने बताया था कि आप बाइंग जो बनाएंगे वो हैमर के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, बट अपनी एग्जिट जो करेंगे वो ईएमए के अकॉर्डिंगली करेंगे। और अगर आप यहां से अगर आप हम एक्सिस बैंक का चार्ट देख रहे हैं 664 पे हम अगर मान लो अपनी पोजीशन बाय बना के चलते हैं तो हम एग्जिट कहाँ है 704 के आसपास। यहाँ पे बिजनेस सेलिंग की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है, तो उसके बाद अगर हम चार्ट पे देखें तो मार्केट इसके बाद जो गया है वो गया 740 रुपये तक, और यहाँ पे हमें 725 रुपये के आसपास हमें सेलिंग की कंफर्मेशन देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप रिटेस्ट स्ट्रेटेजी पे काम करें उसके साथ साथ कैंडलस्टिक का तड़का उसमें मार दे तो रिजल्ट देखें कितना अल्टीमेट आता है, और साथ साथ आप अगर ईएमए यूज करते हैं तो फिर आप प्रॉफिट राइडिंग भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा स्टॉक थोड़ा फेवरेट है, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा खासा अप मूव और डाउन मूव देखने को मिल जाता है। तो आशा करूंगा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बाकी इसके कुछ और एग्जांपल है जो मैं आगे देना चाहूंगा। यहां पे आप हमारे सामने निफ्टी का 4 का चार्ट देख रहे हैं, और जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। अब जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कुछ इस तरीके का ही नहीं देखने को मिलेगा, या फिर आपको राउंडिंग बॉटम राउंडिंग टॉप ही नहीं देखने मिलेगा। आप डबल टॉप और ट्रेंड लाइन का भी यूज करके सपोर्ट रेजिस्टेंस की हेल्प से आप अपने ट्रेड बना सकते हैं, और यहाँ पे हम जैसे आपको बता रहे हैं कि कैंडलस्टिक का भी आप यूज कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी में आपको एक डाउनफॉल देखने को मिला था। अब इसके कुछ मल्टीपल कारण हैं जो मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि मार्केट में निफ्टी में एक तेजी देखने को मिली थी, आपको निफ्टी में तेजी देखने को मिली, और उसके बाद निफ्टी ने एक हाई बनाया। जब ये हाई बनाया था निफ्टी में, अगर एग्जैक्टली मैं हाई की बात करूँ तो निफ्टी का यहाँ पे जो हाई था वो था 18,881.45। उसके बाद एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली, और फिर इस कैंडल ने जो हाई बनाया वो था 18,886 का, यानी कि नया हाई यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल गया था। तो इसको हम बोल सकते हैं डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला था, इसको शॉर्ट में डीटी बोल सकते हैं। और डबल टॉप के साथ साथ आप एक और चीज यहाँ पे देखेंगे, वो है यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग, जो कि हमने पहले आपको बताया था। बेरिश एंगल्फिंग भी अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए एक चीज है, हम कैंडलस्टिक भी पढ़ रहे हैं, हम चार्ट पैटर्न भी पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ हम अभी आपको कुछ इंडिकेटर्स भी बताएंगे। अगर तीनों की कंफर्मेशन आपको चार्ट पे एक साथ देखने को मिल जाती है तो इसका मतलब है कि बड़ा फॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये एनालिसिस भी आपको कहीं ना कहीं सीखनी पड़ेगी। रीजन क्या? क्योंकि हमें ओवरऑल डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि भाई ओवरऑल मार्केट डाउन है तो आप कोशिश यही करेंगे मैं अपनी पोजीशन ज्यादा से ज्यादा सेल बना के चलूं, या फिर मैं कोई अगेंस्ट में ट्रेड ना लूं। तो अगर आप चार्ट पे देखते हैं कि आपको डबल टॉप पैटर्न देखने को मिला, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को
को मिला। इसके साथ मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा और यहाँ पे आप MACD के डाइवर्जेंस भी देख सकते हैं। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, और मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस का मतलब ये हो गया कि ये आपको यहाँ पे क्या लेने हैं, मार्केट में डाइवर्जेंस लेने हैं, और डाइवर्जेंस हमेशा जो काम करते हैं वो डबल टॉप के साथ काम करते हैं। तो चलिए मैं काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा डबल टॉप के बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डबल टॉप के बारे में और डबल बॉटम के बारे में बताना चाहूंगा। तो जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के कुछ फेलियर्स भी होते हैं, उसको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप हमेशा हर ट्रेड आग बंद करके नहीं कर सकते हैं। अब डबल टॉप यानी कि चार्ट के टॉप पे बनेगा, तो देखिए हर किसी का डबल टॉप पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैं अपने इस तरीके के डबल टॉप पैटर्न पे ज्यादातर काम करता हूं। तो हमें देखा मार्केट में एक टॉप बना, एग्जांपल के तौर पे कोई एक स्टॉक है, उसने 214 का इसने हाई बनाया, डबल टॉप के बाद आपको एक करेक्शन देखने को मिली, और एग्जांपल के तौर पे यहां पे जो लो बना इसी स्टॉक का वो 205 के आसपास बन गया। मार्केट ने फिर से एक रैली दी और उसने क्या करा, पहले वाला जो हाई है वो यहाँ पे क्या करा, पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया। अब हो सकता है वो हाई 215 का हो सकता है, 216 का होता है, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, 214 और 205 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो हाई बनेगा वो 9 पॉइंट का 25% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मान के चलो कि भाई 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो वो 25% अगर आप उसका लेते हैं तो वो होना चाहिए 216.50 के ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई डबल टॉप कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं होगा, हल्का सा हाई ब्रेक कर सकता है, दोनों के डिफरेंस का 25% यहाँ पे होना चाहिए। और जब बाजार हाई बना के वापिस से नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे आपको एक अपनी बेरिश कैंडल देखनी है, बेरिश कैंडल का जब लो ब्रेक होगा तो यहाँ से आप अपनी पोजिशन शॉर्ट में बना सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपको जो सेलिंग पोजीशन बनानी है वो चार्ट के बेस पे बनानी है, आपको इंडिकेटर के बेस पे कोई बाइंग सेलिंग की पोजीशन नहीं बनानी, इंडिकेटर के बेस पे आपको जो मैं आपको आगे बताऊंगा आपको सिर्फ कंफर्मेशन लेनी है। चार्ट के अकॉर्डिंगली आप सेल पोजीशन बनाएंगे और जो डिफरेंस है इसका उसके 50% का तो एटलीस्ट आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, और सेकंड टारगेट जो होगा वो इसका 100% का होगा, जो बॉटम बना है इसके 100% का आप सेकंड टारगेट भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया जी हमारा डबल टॉप। यहाँ पे मैं आपको डबल बॉटम के बारे में भी बताना चाहूंगा। तो डबल बॉटम जो है वो चार्ट के बॉटम पे बनता है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। आपने देखा चार्ट यहाँ पे एक लो बना, मान के चलिए किसी स्टॉक का लो बना 200 के आसपास का, मार्केट में एक रैली देखने को मिली, फिर से एक लो बना, आपको लगेगा कि ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, और क्योंकि मार्केट ने लो बनाया 199 का। बट काफी लोग क्या करते हैं, सपोर्ट ब्रेक होने पे एकदम से ट्रेड बना देते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा रुकिए, और अगर बाजार यहां से रिवर्स होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय की। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, मान लो कि 200 है और इसने हाई बना दिया 210 का, तो डिफरेंस कितना हो गया 10 पॉइंट्स का, इसका 25% कितना हो गया यहाँ पे 2.5, और 200 में से 2.5 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 197.50, यानी कि जो लो होगा वो मैक्सिमम लो 197.50 से लोअर नहीं होना चाहिए। अगर उससे लोअर होगा तो पोजीशन मत बनाइएगा, उसका भी एक रीज़न है, अगर मान लीजिए लो ज़्यादा बन गया इसमें तो आप बाइंग तो यहाँ करेंगे बट आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें स्टॉप लॉस छोटा सा रखना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहां से अब अपनी पोजीशन बाय बनाते हैं, बाय बना के स्टॉप लॉस रखेंगे जो सबसे लोएस्ट कैंडल होगी उसके लो का, और यहां से बाय पोजीशन बना के हम अपना प्रॉफिट जो है वो राइड कर सकते हैं। वो कैसे राइड करेंगे, क्या चीज है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिल जाए, हो सकता है कुछ डाइवर्जेंस भी देखने को मिल जाए, तो इसके लिए बेटर रहेगा कि मैं चार्ट पे जाता हूँ और चार्ट पे आपको डबल टॉप डबल बॉटम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं। अब आप देख रहे हैं हमारे सामने निफ्टी का चार्ट, और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने चार्ट पे आपको डबल टॉप के बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे MACD की डाइवर्जेंस के लिए। जैसे कि हमने बताया कि डबल टॉप बना, डबल टॉप पे आप अपनी सेल पोजीशन यहाँ पे बना सकते थे, बेरिश एंगल्फिंग की और कंफर्मेशन आपको मिल जाती है। अब हम MACD को यहाँ पे समझेंगे, तो MACD में आपको कुछ देखने को मिलेगा वो ये है कि मार्केट अपने अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में जो बार्स हैं यहाँ पे बुल बार आपको देखने को मिले हैं, और जब हाई बना तो यहाँ पे आपको नेगेटिव बार देखने को मिले। इट मींस कि मार्केट तो अपना हाई बना रहा था, अगर आप देखेंगे तो 18,000 यहाँ पे 886 का हाई देखने को मिला, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस क्या थे,
वो नेगेटिव थी। तो यहीं पे इंडिकेशन मिल गया था कि मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अब यहां से अब अगर आप देखेंगे तो तीन जगह से आपको कंफर्मेशन मिल गई। यहां पे आपको बेरिश एंगलफिंग पैटर्न भी देखने को मिल गया, यहां पे आपको डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल गया, यहां पे आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल गई। यानी कि चार्ट आपको चीख चीख के बोल रहा था कि भाई उसे बेच दे, यानी कि निफ्टी चीख चीख के बोल रही थी कि उसे बेच दे। अगर आपको ये कंफर्मेशन अगर नहीं मालूम होगी तो यहां पे आप सेल पोजीशन नहीं बना सकते। इसके लिए हम कहते हैं कि आपको ओवरऑल चार्ट एनालिसिस में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी सीखने पड़ेंगे, चार्ट पैटर्न भी सीखने पड़ेंगे और साथ साथ डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन भी आपको सीखनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आपने तीनों कंफर्मेशन के बाद ट्रेड भी बना लिया बट एग्जिट कब करना है उसके बारे में समझाने के लिए मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, यहां पे ईएमए का यूज करूंगा। यहां पे मैं जाता हूं इंडिकेटर्स पे, यहां पे मैं आपके लिए मूविंग एवरेज लगा देता हूं। तो यहां पे हम जाते हैं इंडिकेटर्स पे और सिंपली टाइप करते हैं मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज यहां से हम प्लॉट कर देते हैं। अब जैसे ही मूविंग एवरेज में देखा कि प्राइस जो है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करना पसंद करूंगा, यहां से देखते हैं कि प्राइस कंटिन्यू कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लिया और अभी अगर आप देखें तो प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे काम करा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी अभी भी लग रही है कि बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ी बेरिश है। हाँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकता है अगर आप 5 मिनट का चार्ट, 10 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट यूज करते हैं। मैं आपको यही बोलूंगा कि अब 5-10-15 मिनट का चार्ट ही यूज करिए, बट ओवरऑल बाजार जो है अभी मुझे थोड़ा सा बेरिश लग रहा है। अब ये तो एक एनालिसिस हो गई, हमने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लिया, हमने ट्रेड भी बना लिया और हमने अभी कुछ टाइम पहले आपको ये भी बताया था कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से आप ट्रेड बना सकते हैं। अब यहां पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे, राइट। अब ये 15 मिनट का चार्ट है। अब 15 मिनट के चार्ट पे अगर हो सकता है कि हमें यहां पे कोई रिवर्सल देखने को मिल जाए, जैसे कि हमें बॉटम पे कोई हैमर देखने को मिल जाता है या फिर हमें कुछ भी मॉर्निंग स्टार वगैरह कोई भी पैटर्न देखने को मिल जाता है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड भी बना सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैं कुछ और भी है चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो मैं बताऊंगा कि कई बार आपको रेजिस्टेंस के ऊपर और सपोर्ट के नीचे भी कैंडलस्टिक के कुछ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं कि भाई हम देखते हैं कि डायरेक्टली एक रेजिस्टेंस बना। अब रेजिस्टेंस के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि भाई यहां पे अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जब हम बाय बनाते हैं तो एकदम से मार्केट नीचे गिर जाता है। आप कहते हैं ऐसा क्या हुआ, जब मेरा ब्रेकआउट आया तो उसमें वॉल्यूम्स भी थे, उसमें प्राइस ने भी अच्छी तरीके से ब्रेक किया था, सारी चीजें पॉजिटिव थी और स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा था, बट ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो उसके दो कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि भाई ये डबल टॉप पैटर्न हो सकता है और इसमें एमएसडी के नेगेटिव डाइवर्जेंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि यहां पे कोई कैंडलस्टिक का रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल गया हो। हो सकता है यहां शूटिंग स्टार हो, आपने ध्यान नहीं दिया हो, हो सकता है वो इवनिंग स्टार आपने ध्यान ना दिया हो, आपने अवर्ली का चार्ट देखा हो, हो सकता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो 15 मिनट के चार्ट पे या फिर 5 मिनट के चार्ट पे बन गया हो। तो हमें जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम ट्रेडिंग करते हैं, हमें हर टाइम फ्रेम पे अपनी नजर रखनी होती है, हर कैंडलस्टिक को देखना होता है। सिर्फ सिंपली कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर आप उसे अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आप टॉप पे भी मार्केट में सेल पोजीशन बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि बाजार जो है ये क्या कर रहा है, सपोर्ट पे काम करा रहा है, सपोर्ट पे हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पे सेल ऑफ करके चलते हैं, बट हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाए और यहाँ से बाजार में एक तेजी देखने को मिल जाए। तो अब हम चार्ट पे समझेंगे कि कब ऐसा हुआ कि रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट देखने को मिला और उस पूरे ब्रेकआउट को एक कैंडलस्टिक पैटर्न ने फेल कर दिया। अब चार्ट पे आपको देखने को मिला बैंक निफ्टी का, हमने 15 मिनट्स का चार्ट लिया है और एक हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला है। मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या अगर आप बाजार ने यहाँ पे ट्रेड कराया। अब देखो दो तीन चीजें होती हैं जब हम रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम करते हैं। तो पहले तो बोला जाता था कि जो मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखना स्टार्ट किया था आज से 14-15 साल पहले, तो वहां पे बोला जाता था, जब हमें सिखाया जाता था कि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है आप बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। कुछ दिनों बाद चीजें चेंज हुई, उन्होंने बोला कि जब रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट होता है तो आप बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। फिर बोला गया कि जब रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग होती है तो आप बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। फिर बोला गया कि जब कोई वॉल्यूम वाली कैंडल, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में मोरोबुजो कैंडल, जब देखने को मिले तो आप बाय पोजीशन बना के चलो। अब देखो वॉल्यूम वाली कैंडल भी देखने को मिली, क्लोजिंग भी देखने को मिली, साथ साथ प्राइस ने भी ब्रेक करा, सारी चीजें इसमें बिल्कुल सही सटीक बैठी, बट उसके बाद भी बाजार में फॉल देखने को क्यों मिला उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम कहते हैं कि भाई इसलिए आपके एनालिसिस बहुत डीप होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज पे रिलाय मत करो, बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें देखो। अब जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ
बाजार कंसोलिडेट कर रहा था, कहीं ना कहीं आप यहाँ मोटिवेट होंगे कि भाई बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, कभी ना कभी बाजार में तेजी आएगी। बट अगर आप ये देखो कि एक पैटर्न बना है यहाँ पे जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न जो कि हमने पहले आपको बताया था, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं इसे कुछ लोग। तो इवनिंग स्टार कैंडल देखने को मिली, इवनिंग स्टार का हाई इस पूरे अप ट्रेंड में क्या था, अनब्रेकेबल था, नेक्स्ट कैंडल बेरिश थी और उसके बाद एक ही कैंडल में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। और भी मल्टीपल चीजें हैं, सिर्फ मैं ये नहीं बोलूंगा कि इवनिंग स्टार देखने को मिला है। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो एक बॉक्स पैटर्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इस बॉक्स के बारे में बात करेंगे तो हम इसको बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। यहाँ पे एक हाई बना, दूसरी बार बाजार में फॉल देखने को मिला, यहाँ पे भी एक हाई बना, फिर हल्का सा फॉल देखने को मिला, फिर तीसरा हाई बना। इसको भी हम एक बार ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो मल्टीपल चीजें हमें एक ही चार्ट पे देखने को मिलती है। साथ साथ अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करूं तो आपको यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेंगे। नेगेटिव डाइवर्जेंस को हम अच्छी तरीके से समझेंगे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पे कर्सर लेके जाता हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक हाई बना, अगर इस कैंडल की बात करें तो हाई बना 42,446 का हमें इस कैंडल का हाई देखने को मिला। अब यहाँ पे देखेंगे जो बार्स थे वो क्या थे, ग्रीन थे, ठीक है, बार्स पॉजिटिव थे। उसके बाद बाजार में एक नया हाई देखने को मिला, फिर भी देखेंगे तो अगर मैं यहाँ से आपको चेक करके बताऊँ एग्जैक्टली तो भी बार्स क्या थे, पॉजिटिव थे। इसके बाद बाजार ने एक नया हाई बनाया जहाँ पे जो डोजी कैंडल बनी थी उसका हाई था 42,500 के आसपास का, 42,500 या 15 मिनट का चार्ट हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, 42,500। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप पैटर्न बना और साथ साथ अगर हम ओवरऑल चेक करें तो यहाँ पे बार्स कहाँ थे, ये नीचे थे। इसका मतलब ये था कि मार्केट को पहले से ही पता था कि बाजार में कभी भी गिरावट आ सकती है, इसलिए हमें डाइवर्जेंस को सीखना काफी ज्यादा जरूरी है। हमें सीधा सीधा यहाँ पे क्या करना है, हमें ये देखना है कि यहां से हम लेते हैं ये बार्स यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे चेक करा बार्स नेगेटिव है, हमने यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस लिए, हमने यहाँ पे सर्च किया कि यहाँ पे ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बना है और साथ साथ यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न भी देखने को मिला है। यानी कि तीन चार कंफर्मेशंस हमें एक ही टाइम पे एक ही चार्ट पे देखने को मिली और उस टाइम भी बाजार यही कह रहा था कि उसको आप सेल करके चल सकते हैं। तो ये कंफर्मेशन आपको लेनी है और इसी कंफर्मेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप सेल करते हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर भी आप बाजार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में ये जो ब्रेकआउट है ये फॉल्स ब्रेकआउट है। फॉल्स ब्रेकआउट की लोग बात करते हैं ना, तो फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पकड़ते हैं, उसके लिए आपको इस लेवल की एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए, इतनी एनालिसिस आपको आनी चाहिए कि आप फॉल्स ब्रेकआउट को भी आइडेंटिफाई कर सके। और उसके बाद बाजार में एक फॉल देखने को मिला। तो दोस्तों अभी मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया और आपको बताया कि रेजिस्टेंस पे आप किस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट को समझ सकते हैं, इसी तरीके से सपोर्ट पे भी यही स्ट्रेटजी काम करेगी। तो अभी तो फिलहाल मैंने आपको बेसिक बताया, बट अगर आप इसका एडवांस वर्जन सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको हमारा एक कोर्स मिल जाएगा जो कि पूरी तरीके से एडवांस है, जिसमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स, इसमें कुछ थ्योरीज है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कैसे काम करते हैं, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, उसका पूरा एक एडवांस कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आज जो ये वीडियो में आपने जो चीज़ें समझी हैं इसे आप एक्चुअल में यूज़ भी करेंगे। जैसे सर ने बताया कि अगर आपको इनका एडवांस कोर्स चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और डिटेल्स ले सकते हो कोर्स की। इनफैक्ट अगर आपको एक सीक्वेंशियल ट्रेनिंग चाहिए तो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, सो यू कैन कॉल द नंबर। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन सब लोगों के साथ जिनके साथ आप इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।